आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा एक डिसीजन लिया गया है कि राज्य के अंदर लेजिस्लेटिव काउंसिल या फिर हिंदी में बोलूं तो विधान परिषद को हटाया जाएगा। आखिर ये क्या प्रोसीजर होता है, कैसे विधान परिषद आती है, कैसे विधान परिषद हटाई जाती है, हमारे संविधान में इसके बारे में कहां पर मेंशन है, राज्यसभा के साथ में अगर कंपेयर करेंगे इसको तो इसमें और राज्यसभा में क्या डिफरेंस रहता है, कितने ऐसे राज्य हैं जहां पर आज की डेट में विधान परिषद है, और इसी के साथ में कई सारी और तमाम इन्फॉर्मेशन, इसका कॉन्स्टिट्यूशन एंगल क्या है, वो सारी बातें यहां पर आप लोगों को जानने को मिलने वाली है। अगर यूपीएससी एसएससी या फिर किसी भी दूसरे एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं इंडिया के अंदर तो ये आप लोगों को फायदा पहुंचाने वाली है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है कि कितने राज्य में लेजिस्लेटिव काउंसिल है या फिर किस आर्टिकल के अंदर लेजिस्लेटिव काउंसिल मेंशन है हमारे संविधान के अंदर में, तो ये तमाम क्वेश्चन के आंसर आप लोगों को इस वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं। तो आई एम वीर, वेलकम टू स्टडी लवर फैमिली। तो आइए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले आप लोग ये चार्ट देखिए, इसके बाद में आप लोग इसको ढंग से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। हमारी कंट्री में जो सबसे ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट है वो है पार्लियामेंट, जिसको आप लोग संसद बोलते हैं। जिस तरीके से यहां पर आप लोगों को पार्लियामेंट देखने को मिलती है, सेम इसी तरीके से आप लोगों को यहां पर जो सिस्टम देखने को मिलता है वो राज्य गवर्नमेंट के अंदर भी देखने को मिलता है, ठीक है, जिसको आप लोग स्टेट लेजिस्लेचर बोलते हैं। बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जिसमें ये सिंगल रहता है स्टेट लेजिस्लेचर, और कई सारे राज्य ऐसे हैं जिसमें ये डबल रहता है। पहले आप लोग पार्लियामेंट के बारे में जानिए। पार्लियामेंट में आप लोग को दो हाउस देखने को मिलते हैं, तो बाइकैमरल पार्लियामेंट को हम लोग बोलते हैं। एक है राज्यसभा, जिसको आप लोग अपर हाउस भी बोलते हैं। दूसरा है लोकसभा, जिसको आप लोग लोअर हाउस भी बोलते हैं। इसको बड़ों का हाउस भी बोलते हैं, यानी कि एक तरीके से एल्डर हाउस भी इसको बोला जाता है, और इसको लोगों का हाउस भी बोलते हैं, क्योंकि लोगों के द्वारा चुनकर यहां पर लोग जाते हैं। तो हमारी कंट्री में ये तो हो गया हमारा सेंटर वाला पार्ट। पर लेकिन जैसे हम लोग राज्य में आते हैं तो राज्य के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस नजर आ जाता है। यहां पर आप लोगों को कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर लेजिस्लेटिव असेंबली देखने को मिलेगी, जिसको आप लोग लोकसभा के साथ में कंपेयर कर सकते हैं, या फिर इसे आप लोग विधानसभा भी बोलते हैं। नेक्स्ट यहां पर अगर बात करें, ये आप लोगों को देखने को मिलेगी लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिसको आप लोग विधान परिषद बोलते हैं। तो यहां पर ये कई सारे राज्य ऐसे हैं जहां पर ये दोनों हाउस न होकर बस एक ही हाउस है, जिसको आप लोग लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं। लेजिस्लेटिव काउंसिल वहां पर नहीं है। आखिर ऐसा क्यों होता है, तो इसके बारे में आप लोगों को जानने को मिलेगा। इसके बारे में थोड़ा सा देखिए, आप लोगों को संविधान एंगल समझना पड़ेगा हमारे संविधान का, उसको थोड़ा सा जान लेते हैं क्या क्या बातें की जाती है। हमारी कंट्री में आर्टिकल 168 से लेकर 212 तक जो पार्ट 6 है उसके अंदर यहां पर ये सारी चीजें मेंशन है कि किस तरीके से आप लोग यहां पर जो लेजिस्लेचर है स्टेट का उसको आप लोग बना सकते हैं, कैसे ऑर्गेनाइज करा सकते हैं, क्या क्या उसकी कंपोजिशन होनी चाहिए, ड्यूरेशन उनकी क्या होनी चाहिए, ऑफिसर क्या क्या यहां पर रहेगा, प्रोसीजर क्या है, क्या क्या उनको प्रिविलेज दिए जाएंगे, और भी कई सारी बातें ये पार्ट 6 में हमारे संविधान में मेंशन है, आर्टिकल 168 से लेके 212 तक का। देखिए वैसे तो आप लोग बोल सकते हैं जैसे पार्लियामेंट है उसी तरीके से स्टेट के अंदर काम चलता है, पर लेकिन राज्य के अंदर यूनिफॉर्मिटी आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगी। कई सारे राज्य लेजिस्लेटिव असेंबली के हिसाब से चलते हैं और कई सारे राज्य में लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल दोनों को देखने को मिलती है। तो इसके चलते अगर एट प्रेजेंट आप लोग अपनी कंट्री में बात करें, जब से जम्मू एंड कश्मीर में से ये दो यूनियन टेरिटरी नहीं निकाली गई है, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख, तब से लेकर हमारी कंट्री में आज के डेट में 6 लेजिस्लेटिव काउंसिल हैं और इसी के साथ में 28 राज्य हैं हमारी कंट्री में। यानी कि पहले 29 राज्य थे पर लेकिन एक राज्य घट गया, तो 28 राज्य आज के दिन में हमारी कंट्री में बच गए और 6 लेजिस्लेटिव काउंसिल है, क्योंकि जम्मू कश्मीर वाली लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो भी अब ब्रेक हो गई, ठीक है, क्योंकि वो यूनियन टेरिटरी बन गई है, तो यहां पर उसके पास में लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है। तो यहां पर 6 लेजिस्लेटिव काउंसिल है एट प्रेजेंट। अगर आंध्र प्रदेश से भी यहां पर लेजिस्लेटिव काउंसिल हट जाती है तो 5 लेजिस्लेटिव काउंसिल हमारी कंट्री में बच जाएगी। पहले आप लोग लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में थोड़ा सा जान लिए, फिर इसको लाने और हटाने का प्रोसीजर मैं आप लोगों को बता दूं। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटक, तो टोटल मिलाकर ये 6 राज्य हैं आज की डेट में जिनके पास में लेजिस्लेटिव काउंसिल है। मैप में अगर देखेंगे तो आप लोग यहां पर देख सकते हैं, ये हो गया आंध्र प्रदेश, इसी के साथ में तेलंगाना हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया यहां पर, यहां पर बिहार हो गया, और ये हो गया महाराष्ट्र, और ये हो गया यहां पर कर्नाटक। तो ये 6 राज्य हैं जिस पर लेजिस्लेटिव काउंसिल है। लेजिस्लेटिव काउंसिल ऐसा नहीं है कि आंध्र प्रदेश में पहले थी या फिर नहीं थी, तो यहां पर पहले इसको रिवाइव किया गया था। आंध्र प्रदेश के अंदर में लेजिस्लेटिव काउंसिल 2005 में एक्ट लाकर रिवाइव की गई थी, इसको पहले हटाया गया था, यानी कि फिर इसको बाद में रिवाइव किया गया। तो स्टेट के हाथ में होता है, जब चाहे इसको ले आते हैं और जब चाहे इसको हटा देते हैं, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। अब वो सिचुएशन क्या होगी इसके बारे में भी बात करूंगा। 7th अमेंडमेंट 1956 में मध्य प्रदेश में लाया गया लेजिस्लेटिव काउंसिल को लाने के लिए, पर लेकिन आज तक उसको इंप्लीमेंट नहीं किया गया, यानी कि चाहे तो इसको बना सकते हैं पर लेकिन उनका काम चल रहा है एक ही हाउस से, उन्होंने सोचा फालतू में क्या दूसरा हाउस बनाना, यानी कि एक ही हाउस से वो अब तक काम कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश के द्वारा
लेजिस्लेटिव काउंसिल 1957 में यहां पर बनाई गई थी, पर सेम अबोलिश कर दी गई 1985 में, और फिर 2007 में फिर से रिवाइव कर दी, और इसको 2005 का जो एक्ट आया था उसके चलते इसको रिवाइव किया गया था, और फिर से आज की डेट में 2020 में ये फिर से इसको अबोलिश करने की बात कर रहे हैं। तमिलनाडु के अंदर इसको अबोलिश किया गया था 1986 में, पंजाब में और वेस्ट बंगाल में 1969 में। यानी कि इन उदाहरण से आप लोग ये समझ पाएंगे कि लेजिस्लेटिव जो काउंसिल है वो कई राज्य के द्वारा बनाई गई है और कई राज्य के द्वारा हटाई भी गई है। तो एक प्रोसीजर है पर जिसके थ्रू इसको लाया और हटाया जाता है। अभी यहां पर जो आंध्र प्रदेश के अंदर इसको हटाया जा रहा है वो इसलिए हटाया जा रहा है क्योंकि आंध्र प्रदेश तीन कैपिटल बनाना चाहते हैं आंध्र प्रदेश की, जो आज के डेट में चीफ मिनिस्टर हैं। तो यहां पर उनका जो बिल था इसको लाकर वो लेजिस्लेटिव काउंसिल में गया और लेजिस्लेटिव काउंसिल ने उसको कमिटी को सेंड कर दिया, जिसके चलते इनको गुस्सा आ गया और इन्होंने बोला कि अब ये इसको नहीं रहने देंगे। ठीक है, यानी कि जो प्रोसीजर है वो थोड़ा सा धीमा पड़ जाता है लेजिस्लेटिव काउंसिल के आने की वजह से। तो इसीलिए हमारे संविधान में भी इसको फिक्स नहीं किया गया। हमारे संविधान में जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इसके बारे में डिस्कशन हो रहा था तो उन्होंने ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ये राज्य यानी कि स्टेट के हाथ में छोड़ दी। क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात तो ये थी, इसमें लोगों का रिप्रेजेंटेशन नहीं है डायरेक्टली, यानी कि वोट आप लोग डायरेक्टली नहीं यहां पर दे रहे हैं, डिले होता है लेजिस्लेचर जो प्रोसीजर होता है। जैसे अभी यहां पर आंध्र प्रदेश में हम लोगों ने बात की, इसी के साथ में एक्सपेंसिव है, यानी कि एक इंस्टीट्यूशन बनाया जाता है, वहां पर लोग रहते हैं, उनकी सैलरी रहती है, पूरा सिस्टम रहता है, तो आसान तो है नहीं है। तो यहां पर यह ऐसा बोला गया कि यहां पर राज्य के हाथ में ही छोड़ दिया गया, तो जिसके चलते कई सारे राज्य के द्वारा जिसको लगता है कि उसको जरूरत है या फिर फाइनेंशियल स्ट्रेंथ अच्छी है, उनके पैसा भी उनके पास में, तो वो सेकंड चैंबर को ला भी सकते हैं और उसको हटा भी सकते हैं, जैसे आंध्र प्रदेश के द्वारा किया गया पास्ट में, और फिर से ये इसको कर रहे हैं, रिवाइव कर रहे हैं और फिर से हटा रहे हैं। यानी कि आंध्र प्रदेश के बारे में अगर आप लोग आंध्र प्रदेश के एग्जाम की आप लोग तैयारी करें तो ये आप लोग जरूर याद रख लीजिएगा, आंध्र प्रदेश में 1957 में इसको क्रिएट किया गया, 1985 में हटा दिया, फिर 2007 में क्रिएट किया गया और 2020 में इसको हटाने की बात ये अभी फिर से कर रहे हैं। तो इस तरीके से यहां पर कहने का मतलब ये है कि अपने हिसाब से हटा और ला सकते हैं। और ये मैंने आप लोगों को बताया था तमिलनाडु में भी इसको हटाया गया था 1986 में, और पंजाब और वेस्ट बंगाल में भी इसको हटाया गया था। तो अगर इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे क्या क्या फायदे हैं और क्या क्या नुकसान है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों का बन जाता है एग्जाम में, और इंटरव्यू में भी आप लोगों से पूछ ले आता है। जैसे कि आंध्र प्रदेश में उसको हटाया जा रहा है, तो अगर आंध्र प्रदेश के एग्जाम की आप लोग तैयारी करें और इंटरव्यू में भी आप लोग जाते हैं तो क्वेश्चन आप लोगों से बन जाएगा। सबसे पहली बात तो यहां पर प्रोज यानी कि फायदे क्या है, तो ये एक तरीके से जो चैंबर है यहां पर अगर एक बार बिल लेजिस्लेटिव असेंबली में गया और फिर यहां पर काउंसिल में जाता है तो ज्यादा डिबेट और डिस्कशन होगा यहां पर, यानी कि अच्छे से अगर कोई कमी होगी तो उसको निहारा जाएगा, उसको निकाला जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं स्पेशल एंट्री यहां पर मिल पाएगी, जो लोग पॉलिटिक्स में ज्यादा चर्चित चेहरे नहीं है तो उनको भी बैकडोर एंट्री यहां पर दी जा सकती है, उनको इलेक्शन लड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोगों को पता है कई सारी जो लोग यहां पर नॉमिनेट होकर यहां पर जाते हैं, तो स्पेशलिस्ट की एंट्री भी यहां पर एक तरीके का अच्छा तरीका है यहां पर लोगों को असेंबली में पहुंचाने का। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहां पर। कौनस क्या होते हैं, आखिर नेगेटिव चीजें क्या हैं, वो ये है कि डिले प्रोसीजर हो जाता है कई बार, यानी कि पास करना चाहते हैं बिल वगैरह को पर लेकिन वो हो नहीं पाता है, डिले हो जाता है तो थोड़ा लेट होता है। ठीक है, पहला तो ये हो गया। दूसरा क्या है यहां पर, देखिए कई सारी बात ये होता है कि जो लोग खासकर जो इलेक्शन नहीं जीत पाते हैं उनको बैकडोर एंट्री दे देते हैं यहां पर, यानी कि भले ही वो जरूरी ना हो पर उसको पहुंचा देते हैं वहां पर, तो ये नेगेटिव तरीके से भी यहां पर इसको देखा जाता है कई बार। इसी के साथ में जो सबसे बड़ी बात है वो फाइनेंस, राज्य के फाइनेंस के ऊपर भी काफी इंपैक्ट डालता है। तो ये है इसके प्रोज और कॉन्स जो कि आप लोगों को यहां पर आइडिया रखना है। अब इसका प्रोसीजर आप लोग समझ लीजिए तभी आप लोग अच्छे से जान पाएंगे। पहले तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, लेजिस्लेटिव काउंसिल को विधान परिषद बोलते हैं, अपर हाउस भी इसको बोलते हैं और हाउस ऑफ द एल्डर भी इसको बोलते हैं, यानी कि बड़ों का हाउस। ठीक है, क्योंकि यहां पर इलेक्शन नहीं, बैकडोर एंट्री दी जाती है। लेजिस्लेटिव असेंबली को हम लोग विधानसभा बोलते हैं, विधान परिषद विधानसभा, यहां पर इसको लोअर हाउस बोलते हैं, और पॉपुलर हाउस जनता का हाउस भी इसको बोला जाता है। अब यहां पर अगर ये तो देखिए लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में बात करेंगे क्योंकि असेंबली तो चुनकर आती है, तो यहां पर हम लोग बात करेंगे काउंसिल के बारे में, यानी कि विधान परिषद के बारे में। तो विधान परिषद जो है यहां पर पार्लियामेंट क्या कर सकती है, इसको अबोलिश कर सकती है। अबोलिश कब करेगी यहां पर, अगर ऑलरेडी एग्जिस्ट है, और अगर एग्जिस्ट नहीं है तो फिर उसको ला भी जा सकता है, तो वो कैसे करेगा, वो भी पार्लियामेंट करेगी, पर लेकिन पार्लियामेंट अपने आप नहीं करेगी यहां पर। अगर राज्य जो है जोन सा राज्य यहां पर इसको चाहता है कि हाँ यहां पर लेजिस्लेटिव काउंसिल होनी चाहिए, तो उसकी लेजिस्लेटिव असेंबली जो है यानी कि विधान जो सभा है वो यहां पर एक रिजोल्यूशन पास करती है। ये रिजोल्यूशन जो पास किया जाता है इसके द्वारा, ये यहां पर एक तरीके की स्पेशल मेजोरिटी होनी चाहिए, यानी कि 2/3 जो मेंबर है इसके, इससे कम नहीं होने चाहिए, वो यहां पर प्रेजेंट और वोटिंग करें, तब जाकर यहां पर इसको पास किया जाएगा, पार्लियामेंट के पास से भेजेंगे। तो फिर पार्लियामेंट क्या करेगी,
यहां पर बोलेगी कि ऐसा कुछ करते हैं, यहां पर ये असेंबली लेकर आते हैं, पर लेकिन ये ऐसा नहीं बोलेंगे आप लोग ये संविधान में चेंज कर दिया, नहीं, ये कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी अमेंडमेंट नहीं है, इसको एक ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन की तरीके से यहां पर पास किया जाता है, यानी कि आप लोग इसको संवैधानिक संशोधन नहीं बोलेंगे, ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं है, ये एक ऑर्डिनरी लॉ है जो कि यहां पर पास कर इसको बनाया जाता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि कई बार आप लोगों के माइंड में कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है, और मैंने कई सारे पास्ट में ऐसे क्वेश्चन भी देखे हैं जो कि एग्जामिनर आप लोगों से पूछता है ये, तो इसको लेकर आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। अब यहां पर कुछ रिवीजन भी आप लोगों का हो जाएगा, थोड़ी सी बातें जो मैंने अभी आप लोगों को बताई है कि विधान परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिल अपर हाउस जो होता है इंडिया में, ये बाइकैमरल लेजिस्लेचर क्रिएट करने के लिए बनाया जाता है। संविधान में जो आर्टिकल है यहां पर इसके लिए जो डेडिकेटेड है वो है 169, ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए हो जाता है, इसको आप लोग जरूर याद रखेगा, रिसेंट में जो एग्जाम होंगे ये पूछा जा सकता है। तो ये यहां पर एक तरीके से पावर देता है कि अबोलिश करने के लिए यहां पर और क्रिएट करने के लिए जो यहां पर सेकेंडरी हाउस यानी कि जो सेकेंड चैंबर यहां पर बनाया जाता है लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा। तो पावर किसके हाथ में रहती है, लेजिस्लेटिव असेंबली एक रिजोल्यूशन पास करती है स्पेशल मेजोरिटी जो मैं कि मैंने अभी आप लोगों को बताया। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या क्या है यहां पर, इंपॉर्टेंट फैक्ट यह कि असेंबली के हाथ में पावर जो आती है वो आर्टिकल 169 यहां पर देता है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल आप लोग बना सकते हैं या फिर उसको हटा भी सकते हैं। तो चाहे बनाने के लिए बात करें चाहे हटाने के लिए बात करें, आर्टिकल 169 आप लोगों को याद रखना है। ये कई बार क्वेश्चन यहां पर बन जाता है, अगर थोड़ा सा टफ क्वेश्चन बनाना है एग्जामिनर को तो इस तरीके क्वेश्चन आप लोगों से पूछता है कि मैनर ऑफ इलेक्शन आप लोग बताइए लेजिस्लेटिव काउंसिल का, और लेजिस्लेटिव काउंसिल अभी न्यूज में भी है तो इसलिए क्वेश्चन बन सकता है। तो 1/3 जो मेंबर इसके होते हैं वो यहां पर जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं लोकल बॉडीज के, जैसे कि म्यूनसिपैलिटी हो गई, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड हो गया, तो वो यहां पर 1/3 मेंबर इसके चुनते हैं। 1/12 यानी कि 1/1 मेंबर जो होते हैं वो ग्रेजुएट्स जो 3 ईयर स्टैंडिंग और इसी के साथ में जो राज्य के अंदर रह रहे हैं यानी कि जो राज्य के ग्रेजुएट्स हैं यहां पर वो इसको चुनते हैं। 1/12 यहां पर जो इलेक्टेड जो टीचर है यहां पर इलेक्टेड ग्रेजुएट और इलेक्टेड टीचर यहां पर इनको चुनते हैं। 1/3 है यहां पर ये लेजिस्लेटिव असेंबली या फिर जो यहां पर लेजिस्लेटिव असेंबली के जो स्टेट के जो मेंबर हैं, खासकर जो मेंबर नहीं है असेंबली के अंदर में, ठीक है, असेंबली के अंदर में मेंबर नहीं है वो यहां पर इनको चुनते हैं। नॉमिनेट जो मेंबर किए जाते हैं वो यहां पर लिटरेचर साइंस आर्ट कोऑपरेटिव मूवमेंट और सोशल सर्विस से यहां पर नॉमिनेट किए जाते हैं। टोटल मिलाकर 5/6 मेंबर इलेक्ट होते हैं और 1/6 मेंबर जो रहते हैं वो नॉमिनेट रहते हैं। इसको आप लोग समझ लीजिए कैसे यहां पर ये नंबर निकल कर आया। तो थोड़ा सा आइए आप लोगों को थोड़ा सा मैथमेटिक्स बढ़ाता हूं। 1/3 मेंबर यहां पर ये हो गए, 1/12 मेंबर यहां पर ये हो गए, दूसरा 1/12 हो गए, तीसरा 1/3 हो गए। तो ये वाला सारा जो मेंबर था यहां पर मैंने यहां पर लिख दिया कि जो जो आप लोगों को मैंने बताया 1/3, 1/12, 1/12, 1/3, ठीक है। तो इस तरीके से यहां पर देखिए, तो 1/3, 1/12, 1/12, 1/3 टोटल यहां पर अगर आप लोग देखेंगे यहां पर तो ये आ गया एलसीएम 12, तो यहां पर आ जाएगा 4+1+1+4, तो कितना हो गया ये हो गया 10/12। अगर आप लोग इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 5/6, ठीक है। अगर इसमें से 1 में से आप लोग 5/6 अगर ऐसे करेंगे आप लोग माइनस, तो ये 1/6 आ जाएगा। तो कहने का मतलब यहां पर ये 5/6 यानी कि 5/6 जो मेंबर है यहां पर वो इलेक्ट होकर आएंगे और बाकी जो बच गए 1/6 जो आएंगे यहां पर ये नॉमिनेट होकर आएंगे। और नॉमिनेट भी कहां से होकर आएंगे, तो नॉमिनेट भी यहां पर इससे होकर आएंगे जो पर्टिकुलर ये आप लोग यहां पर बताया गया, सॉरी ये वाला, ये जो बताया गया लिटरेचर साइंस आर्ट कोऑपरेटिव मूवमेंट, और ये और 1/6 नॉमिनेट करेगा कौन, गवर्नर नॉमिनेट करेगा। बाकी जो वोट होगी यहां पर वो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होगी, जैसे प्रेसिडेंट में नहीं आप लोगों ने देखा होगा प्रेसिडेंट का जब इलेक्शन होता है तो सिंगल वोट ट्रांसफरेबल रहती है, इसको प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो नॉर्मल सिस्टम नहीं फॉलो किया जाता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम यहां पर फॉलो किया जाता है, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोग को पता रखना है। नेक्स्ट अगर आप लोग इसको कंपेयर करेंगे राज्यसभा के साथ में लेजिस्लेटिव काउंसिल को, तो देखिए दोनों में काफी डिफरेंट पावर आप लोगों को नजर आएगी। राज्यसभा जो है ये पार्लियामेंट का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि कभी भी डिसॉल्व नहीं होता है, ये हमेशा कॉन्टिन्यूस रहता है, और इसके हाथ में कुछ स्पेशल पावर ऐसी है जो कि आप लोगों को खासकर अगर लोकसभा की बात करें उसके हाथ में भी देखने को नहीं मिलेगी। जैसे ऑल इंडिया सर्विसेज की बात की जाती है तो राज्यसभा यहां पर क्रिएट कर सकता है, ये पावर लोकसभा के हाथ में नहीं है। तो इस तरीके से यहां पर आप लोग इसको ऐसा नहीं बोल सकते कि ये सेकेंडरी चैंबर है, नहीं, ये सेकेंड चैंबर है। सेकेंडरी का मतलब होता है कि किसी के नीचे है, तो ये किसी के नीचे नहीं है, इसका खुद का एक अस्तित्व है राज्यसभा का, जबकि यहां पर लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो लेजिस्लेटिव असेंबली के नीचे है, इसको सेकेंडरी चैंबर बोला जाता है यहां पर, क्योंकि लेजिस्लेटिव काउंसिल के हाथ में पावर, वो लेजिस्लेटिव असेंबली के हाथ में पावर है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल को कैसे हटाना है, ठीक है। फिर से सुन लीजिए, ये सेकेंडरी चैंबर है क्योंकि इसको रखना है या नहीं रखना है ये लेजिस्लेटिव असेंबली के हाथ में पावर है कि इसको हटाना है या रखना है, पर लेकिन लोकसभा के हाथ में पावर नहीं है कि वो राज्यसभा को रखेगा या नहीं रखेगा, ये एक परमानेंट हाउस है। तो इस तरीके से अगर दोनों को आप लोग कंपेयर करेंगे तो ये एक तरीके से वाजिब नहीं होगा,
दूसरी बात यहां पर ये, हमारी कंट्री में जो राज्य है यहां पर वो रिप्रेजेंट करते हैं राज्यसभा के अंदर, तो अलग अलग राज्य, तो फेडरल सिस्टम जो है वो आप लोगों को राज्यसभा में हमारा देखने को मिलता है, जबकि लेजिस्लेटिव काउंसिल में ऐसी कोई रिप्रेजेंटेशन देखने को आप लोगों को नहीं मिलती है। तो राज्यसभा एक पावरफुल बॉडी है, राज्यसभा को लेजिस्लेटिव काउंसिल के साथ में आप लोग कंपेयर नहीं कर सकते। तो ये था कंप्लीट आर्टिकल, देखते हैं अगर आगे यहां पर क्रिएट किया जाता है जो भी यहां पर न्यूज निकल कर आएगी वो हम लोग आगे कवर करते रहेंगे, जो हिंदू वाली वीडियो आती है उसके अंदर में या फिर जो भी एक्स्ट्रा वीडियो आएगी। लेक्चर की पीडीएफ अगर आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं, इस लेक्चर को अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो आप लोग इसकी पीडीएफ टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी देखिए लेक्चर को लाइक और शेयर तभी कीजिएगा अगर ये आप लोगों को पसंद आया, अगर पसंद नहीं आया तो डिसलाइक कीजिएगा, और डिसलाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि डिसलाइक क्यों किया है। मेरे साथ में इंस्टाग्राम, फेसबुक यहां पर आप लोग और टेलीग्राम पर आप लोग कनेक्ट रह सकते हैं, सारे लिंक वीडियो के नीचे आप लोगों को मिल जाएंगे। तो जब भी आप लोगों को टाइम मिले देखिए थोड़ा सा किसी को पढ़ा दीजिए, आप लोग काफी अच्छा लगेगा अंदर से, और इसी के साथ में आप लोगों की नॉलेज भी बढ़ेगी। और आसपास सफाई रखिए, पानी और पेड़ पौधों का सेव कीजिए, पॉलिथीन और प्लास्टिक बैग वगैरह बिल्कुल यूज नहीं करना है। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करें, तब तक के लिए जय हिंद।